मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि केंद्र सरकार एक रीनेमिंग कमीशन बनाए और पूरे देश में जो आक्रांताओं के नाम पे मोहल्ले हैं, आक्रांताओं के नाम पे सड़कें हैं, आक्रांताओं के नाम पे जो शहर हैं, आक्रांताओं के नाम पे जो जिले हैं, आक्रांताओं के नाम पे जो तहसीलें बनी हुई हैं, उनका असली नाम, वास्तव में उनका क्या नाम था, उसको वो आइडेंटिफाई करे और फिर सरकारें उस नाम को बदले। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया है कि एक सरकार तत्काल एक रीनेमिंग कमीशन बनाए। आज भी नालंदा में बख्तियारपुर चल रहा है, जबकि बख्तियार ने ही वहां पे नालंदा को जलाया था। गजप्रस्थ को गाजी ने लूटा और उसके नाम पे यहां गाजियाबाद चल रहा है, फिरोजाबाद फिरोज के नाम पे चल रहा है, वो लुटेरा था, हत्यारा था। फरीदाबाद फरीद के नाम पे चल रहा है, वो लुटेरा था, हत्यारा था, बलात्कारी था। इसी तरीके से पूरे देश भर में गाजीपुर है, जौनपुर है, इसके अलावा आजमगढ़ है, मुजफ्फरपुर है, उस्मानाबाद है, हैदराबाद है, मुर्शिदाबाद है, ये सारे जो है जो स्थानों के नाम है, ये हत्यारों के नाम पे है, आतंकवादियों के नाम पे है, आक्रांताओं के नाम पे है, बलात्कारियों के नाम पे है। इस देश में मुगलों ने कोई अच्छा काम नहीं किया था। जब वो हत्यारे थे, बलात्कारी थे, यहां लूटने आए थे, यहां बांटने आए थे, यहां धर्मांतरण कराने आए थे, फिर उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गली क्यों चलना चाहिए? चीन भी जापान के अंडर में था, आज की डेट में चीन में किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क मोहल्ला गली नहीं है। चीन तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी किसी भी अंग्रेज के नाम पे सड़क मोहल्ला गली नहीं है, पाकिस्तान भी तो अंग्रेजों का गुलाम था। बांग्लादेश में कोई सड़क मोहल्ला गली नहीं है, पाकिस्तान में तो भगत सिंह के नाम पे कोई सड़क मोहल्ला गली नहीं है, पाकिस्तान में गांधी जी के नाम पे कोई सड़क मोहल्ला गली नहीं है, नेहरू जी के नाम पे सड़क मोहल्ला गली नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जिन लोगों ने भारत को लूटा, भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, भारत में हिंदुओं की बहन बेटियों को जौहर करने के लिए मजबूर किया, आग में कूदने के लिए मजबूर किया, जिन लोगों ने सोमनाथ लूटा, जिन लोगों ने गजप्रस्थ को लूटा, उनके नाम पे भारत में कोई सड़क मोहल्ला गली कस्बा तहसील जिला क्यों होना चाहिए? अरे वो लुटेरे आए थे, लूटे चले गए, उनके नाम पे क्यों? और सबसे शर्म की बात तो यह है कि दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास आप घूमिए तो आपको शाहजहां रोड मिलेगी, जो सबसे बड़ा अय्यास था, बाबर रोड मिलेगी जो बहुत बड़ा लुटेरा था, अकबर रोड मिलेगी जिसके कारण राजस्थान में हजारों बहन बेटियों ने आग में अपनी जान दे दिया, औरंगजेब लेन मिलेगी, तुगलक लेन मिलेगी, लोधी रोड मिलेगी। ये क्या चल रहा है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर इस देश को वास्तव में आप चाहते हैं कि यहां पे गुलामी की जो मानसिकता खत्म हो, तो गुलामी की मानसिकता खत्म करने के लिए सबसे पहले गुलामी की निशानी खत्म करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं ताजमहल गिरा दो, अरे ताजमहल तो उसने बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं लाल किला गिरा दो, लाल किला तो बनाया गया, लेकिन कम से कम जो शहर यहां पहले से थे और वो हिस्टोरिकल सिटी है, रिलीजियस सिटी है, कल्चरल सिटी है, जिनको मुगलों ने बनाया नहीं, केवल नाम बदल दिया, कम से कम उनको तो तत्काल नाम बदलने की जरूरत है।